आपको अब अलीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर घरों की दीवारों पर लिखा बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उससे बवाल मचा हुआ है। एक गांव में लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया है कि उनके मकान जो है वो बिका हुआ है। क्या है पूरा मामला, ये लोग क्यों अपना घर छोड़ना चाहते हैं, क्यों अपना घर बेचना चाहते हैं? टाइम्स ऑन भारत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। काली स्याही से इस दीवार पर जो लिखा था वो तो मिटा दिया गया, लेकिन इन बाशिंदों के मन में जो डर घर कर गया वो कैसे दूर होगा। दीवार पर ऐसी कालिख एक नहीं बल्कि कई मकानों की दीवार पर मौजूद है। असल में यहाँ लिखा था ये मकान बिकाऊ है। अपनी जिंदगी भर की कमाई से पाई पाई जोड़कर इन लोगों ने जो सपनों का घर बनाया, अब उसे बेचकर पलायन करने पर मजबूर इन लोगों की व्यथा सुनेंगे तो दिल सिहर उठेगा। लड़के मेरे पीछे पीछे भाग गए, मेरा हाथ पकड़ खींचे, चमर रहे, तूने शिकायत करी। घर के अंदर तक पहुँचे लड़के, वहाँ तक पहुँचे थे सर। ये पूरा मामला अलीगढ़ का है, जहाँ एक खास समुदाय की लड़कियों को गांव के कुछ युवक छेड़ते हैं। छेड़छाड़ से मना करने पर परिजनों तक की पिटाई कर देते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ सर, ये इस लड़की के साथ हुआ, आगे किसी के ना साथ हो। तो इतने से बच्चा, हम बड़े बूढ़े ने बात छोड़ रहे, अच्छी बात है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता हिमांशु दीक्षित अलीगढ़ के मोरथल गांव पहुंचे। भय की चादर ओढ़े इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन दीवारों पर कालिख साफ साफ दिखाई दे रही, लगभग हर एक मकान पर दिख रही है। कुछ घर ऐसे हैं जहां पर लिख दिया गया था कि अब वो यहां पर रहना नहीं चाहते हैं। यहां पर ये लिखा गया था कि ये मकान बिकाऊ है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे एक और घर आपको मिलेगा जिसके दरवाजे पर भी कुछ ऐसा ही लिखा गया था, जहां पर लिखा गया था कि ये मकान बिकाऊ है, लेकिन इसको भी काले रंग से पोत दिया गया, इसको भी पेंट कर दिया गया। इसके आगे आप जाएंगे, देखिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो रहते हैं, और इसके आप आगे जाएंगे तो एक विशेष वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं जिन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। इस दीवार पर आप देखेंगे तो इस दीवार पर भी लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। मामला संवेदनशील है क्योंकि पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, लेकिन यहाँ सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं क्योंकि आरोप है कि छेड़छाड़ और मारपीट के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मेरे साथ में हुआ था। मेरी बच्ची अंदर बैठी थी और मैं यहाँ बैठी थी, आए थे लड़के, गंदे गंदी गालियाँ देते जा रहे और वो मतलब बदतमीजी कर रहे, कंकड़ी मार रहे। मैंने भी सुना तो यहाँ खिंचतानी हो रही थी, अब मैं निकल के आया जब तक तो उनको हम पीटना चालू कर दिया। ये बच्ची भी रो रही थी, वहाँ खड़े हो गए, ये वहाँ थी, इनकी माँ जो है, यही हुआ था। इसके बाद इन्होंने शिकायत की, इनकी शिकायत के आधार पर मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो पहले आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई, शिकायत नहीं की? आई आवाज थाने तक ना जान देता ही, नहीं कि नहीं कर देता ही। थाने तक कौन नहीं जान देता? प्रधान ना जान देता ही, मुसलमान ना जान देते। पुलिस प्रशासन पर, ग्राम प्रधान पर सवाल उठ रहे हैं और उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि खुद पीड़िता ने जो बताया वो 21वीं सदी के हिंदुस्तान में वाकई शर्मनाक बात है। चार लोग थे ये, तो कंकड़ी मारी मेरी तरफ और गंदे सारे कर रहे थे, मुझे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। तो ये बात मेरे पापा काम पे से आए, मैंने उन्हें बताई, पापा ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये लोग निकल के जा रहे थे। उसी टाइम मेरे पापा ने इनको कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने मारा। पहले छेड़छाड़, फिर शिकायत करने पर मारपीट, और उसके बाद शिकायत भी नहीं करने दिया गया। इन सब से परेशान होकर इस गांव के लोग अब अपना घर छोड़कर जाने को विवश हो गए हैं। जब मामला सुर्खियों में आया तब जाकर इस गांव में पुलिस की तैनाती की गई। इस गांव के बाशिंदों की मदद ना तो ग्राम प्रधान ने की, ना ही पुलिस वालों ने की। अब जाकर इनके घाव पर मरहम पट्टी लगाने का काम किया जा रहा है। इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर पुलिस पहले एक्टिव रहती तो आज ये नौबत न खड़ी होती। हिमांशु दीक्षित, अलीगढ़, टाइम्स नाउ, नवभारत।